हेलो नाम है सुनील और आप देख रहे हैं पॉइंट कैसा हम लोग सारे चलिए जी आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज हमारा चैप्टर नंबर सेवन का पार्ट जी है जी हाँ बहुत सारे पार्ट हमने इसके बना दिए हैं क्योंकि जैसे आपने रिक्वेस्ट करी थी हर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने उसका अलग से वीडियो बना है ताकि आपको अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक में अच्छे से हर वीडियो के थ्रू आपको सही से डीप जाकर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल आपको पढ़ा सकूं चलिए आज का जो वीडियो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है जहां पर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ने वाले हैं मीनिंग देखने वाले हैं फीचर्स देखने वाले हैं एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा सुंदर सुशील और इंफॉर्मेटिव चलिए स्टार्ट करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के मीनिंग से देखिए दो फॉर्म्स के कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन राइट सिंपल है फॉर्मल मतलब जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती है इनफॉर्मल मतलब मस्ती मजाक चलता रहता है फ्रेंडशिप चलती रहती है और बहुत ही लाइट माहौल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब होता है आ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है फॉर्मल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं जैसे मान के चलिए एक होता है अपने फैमिली के अंदर अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बहुत ही फ्रेंडली वे में आप करते हैं मम्मी से बात करते हैं अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपने ब्रदर एंड सिस्टर से बात करते हैं दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे टीचर से बात करेंगे वहां बोला जाएगा कि यू आर टॉकिंग फॉर्मली टू दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन द रिटर्न में ये होता है सच एज नोटिस को इशू करना लेटर को इशू करना मेमोस को करना, को इशू इशू करना करना डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक पार्ट होता है है बच्चों क्लियर फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है और मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन आर टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आर रिटर्न राइट यहाँ पर नोटिस लेटर मेमो डॉक्यूमेंट की मदद से हम आ, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन सोर्स टू यस और नो यहां तक क्लियर हो रहा है चलिए इसमें देखिए टाइप्स आते हैं टाइप्स में पहला टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन का डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड नाम से पता लग रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ तो यहां पर क्या है देखिए द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप लेवल और फ्रॉम द सुपीरियर टू लोअर लेवल जब टॉप लेवल से लोअर लेवल कम्युनिकेट करता है जब टॉप लेवल लोअर लेवल से कम्युनिकेट करता है तब हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अब ये सुंदर से डायग्राम के थ्रू समझिए देखिए सुपीरियर है ऊपर नीचे है सबोर्डिनेट्स एरो का मुंह अगर देखेंगे आ, इसका जो पोर्स देखेंगे वो नीचे की तरफ है नीचे की तरफ क्या आएगा सुपीरियर प्लान बताएगा पॉलिसी बताएगा नोटिस देगा इंस्ट्रक्शन देगा ऑर्डर देगा किसे देगा सबॉर्डिनेट्स को इसलिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है डाउनवर्ड होता है सुपीरियर जब कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है सबॉर्डिनेट्स को तो वो उस सेंस में कहा जाता है कि इसने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करा है सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को यहां तक क्लियर हो रहा है अपवर्ड कम्युनिकेशन इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए वेन द सबॉर्डिनेट और में आप देख सकते हैं सबॉर्डिनेट नीचे ऊपर। ऊपर का की तरफ हो गया है। जब भी सबॉर्डिनेट अपने suggestion देगा, complaint करेगा, अपनी शिकायतें करेगा अपवर्ड या टॉप लेवल को हम उसको क्या कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन सिंपल कोई कंफ्यूजन चलिए तीसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अब आया है मजे राइट देखिए Horizontal communication is the communication between the two or more person

या फिर सेल्स मैनेजर के साथ या फिर मार्केटिंग मैनेजर के साथ या फिर एचआर मैनेजर के साथ तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे हो रहा है बच्चों क्लियर जब एक ही लेवल पर दो बंदे जो दो इंडिविजुअल कम्युनिकेट करते हैं हम उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं यहाँ तक क्लियर हो रहा है चलिए डी आता है डायगोनल कम्युनिकेशन यहां पर देखिए इट इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी यहां पर क्या है डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है अथॉरिटी भी डिफरेंट है मतलब हो सकता है एक एक लोअर लेवल लेवल में में हो मिडिल है और एक टॉप लेवल में है अब ये तीनों जब कम्युनिकेट करेंगे आपस में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है उसको हम बोल देंगे डायगोनल डायग्राम में देखिए सेल्समैन जो कि एक मान के चलिए मिडिल लेवल में है मिडिल लेवल के बिल्कुल नीचे वाले डिपार्टमेंट में है वो इंटरेक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के साथ पूरा बच्चों क्लियर तो यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया है वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी अगर आप एक असिस्टेंट है और सीनियर मैनेजर से बात कर रहे हैं तो वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन का पार्ट बनेगा यहां तक कोई कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों क्लियर चलिए एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी सिस्टमैटिक एंड एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरह का कम्युनिकेशन होता है जहां पर ऑर्डर के थ्रू या ऑर्डरली मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन कन्वे होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर कोई कंफ्यूजन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ईजिली बी लोकेटेड राइट मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है किसने दी है कब दी है किस वक्त दी है राइट right? ये सारी चीजों का हम पता कर सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रॉपर नजर प्रॉपर विजिलेंस प्रॉपर यहां पर कंट्रोल रहता है हर चीज के ऊपर राइट right? तो यहां पर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन जो भी आई है इसका राइट right सोर्स क्या है पूरा बच्चों क्लियर और यहां पर सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होता है तो ये पता करना कि कहां से ये इशू हुआ है किसने इशू करा है बहुत ईजी हो जाता है इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ ईजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज एज देर इज़ अ प्रूफ फॉर द इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जी हाँ जब आपके पास प्रूफ होता है हर इंफॉर्मेशन का तो जिसने भी गलत काम करा है उसको जिम्मेदार ठहराना यहाँ पर बहुत ही आसान या ईजी हो जाता है चलिए फोर देखते हैं इट इज इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट अब यहां पर लोगों को कंट्रोल करना भी मुश्किल नहीं होता है या इजी होता है क्योंकि हमें पता है किसने गलती करी है किसको कैसे समझाना है मोटिवेट करना है पनिश करना है या रिवॉर्ड करना है आधा क्लियर हो रहा है चलिए अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस बुराइयां देखते हैं इसकी कमियां देखते हैं क्या क्या कमियां हो सकती है हमारे किसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन इज डिलीलेड एस जनरली स्केलर चेन इज फॉलोड इन्फॉर्मेशन यहां पर क्या है इन्फॉर्मेशन डीले हो सकती है मतलब देरी हो सकती है इंफॉर्मेशन में क्योंकि यहां पर एक सिस्टमेटिक चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है एक सुपीरियर को सबॉर्डिनेट से इंटरेक्ट करने के लिए सबॉर्डिनेट को सुपीरियर से इंटरेक्ट करने के लिए राइट right? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है काफी देरी में पहुंच सकती है टू द डिजायरसन क्लियर हो रहा है चलिए सेकेंड पॉइंट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड और पास इन इम्पर्सनल मैनर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पर्सनल मैनर में कम्युनिकेट होती है मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होती है फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट नहीं होती है और यहाँ पर जो ह्यूमन इमोशंस बोलते हैं ना उनकी कदर नहीं है यहां पर वर्क से मतलब है राइट यहाँ पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू अगर कोई लेट भी आता है तो वहां पर उसको पनिशमेंट मिलता है राइट तो यहाँ पर बोला गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड और पास इन पर्सनल मैनर पर राइट अगर कोई भी आपका रिलेटिव भी है आपको कोई फ्रेंड भी है अगर उसको आपको फायर करना है तो आपको एक फॉर्मल तरीके से उसको फायर करना है उसको स्ट्रिक्टली बात करनी है अगर आपका रिलेटिव या आपके फैमिली मेंबर भी आपकी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वर्क करता है तो उससे भी आपको फॉर्मली ही बात करनी पड़ती है यस yes और नो no? चलिए थर्ड है हमारा इसमें डिसएडवाटेज The information may not be transmitted accurately to avoid the unfavorable effect of communication. यहाँ पर क्या है? Information accurately कभी कभी communicate नहीं हो पाती to the right person. यहाँ पर क्यों है? To avoid the unfavorable effect of communication. समझ रहे हैं? वापस पढ़िए है एक बार इसको. The information may not be transmitted accurately to avoid the unfavorable effect of communication. अब यहाँ पर क्या है? Accurately जब communication होगा, राइट तो कभी कभी कई ऐसी बातें भी कम्युनिकेट हो जाती है जो कि हर्ष होती है रूड होती है जो कि अगर किसी पर्सन के पास डायरेक्टली बिना फ़िल्टर होके पहुंच जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा रूड लगेगा या बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होती है फिल्टर नहीं हो पाती है इसलिए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से एम्प्लॉय छुट्टी बहुत करते हैं एब्सटेंटनिजम होता है टर्न ओवर लोग छोड़ के ज़्यादा जाने लग जाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं है जैसे कि मान के चलिए आपका कोई गेम्स का पीरियड ना हो स्कूल्स वगैरह में आपके एक एक घंटे की नौ पीरियड लगे राइट कोई रेसिस नहीं हो तो यहाँ पर क्या है जरूरत से ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल एजुकेशन आपको मिल रही है तो वो भी ठीक नहीं है तो इनफॉर्मल को पार्ट बनाना ही पड़ता है अफेक्टिव आपको रनिंग के लिए तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्क की बात करते हैं देखिए नेटवर्क बहुत जरूरी है इनमें जानना नेटवर्क में क्या होता है कि वेरियस सोर्सेज क्या हैं या वेरियस वेज कौन कौन से हैं जहां पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है फॉर्मल वे में देखिए सबसे पहला है व्हील पैटर्न डब्ल्यू एच डबल व्हील देखिए इसमें क्या होता है अंडर व्हील पैटर्न ऑल द इनफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन हु इज जनरली लीडर ऑफ द ग्रुप यहां पर देखिए डायग्राम देखिए ए जो पर्सन है वो लीडर है अब वो लीडर है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है ई से बी से डी से और सी से तो यहां पर क्या होता है एक ही पर्सन होता है लीडर होता है वो पर्सन और वो ही कम्युनिकेट करता है सबको मतलब ये ऑथोरिटेटिव हो गया जहां पर पर लीडरशिप स्टाइल क्या हो गई? हो गई गई ऑथोरिटेटिव एक ही जगह से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है टू द एवरी पर्सन पर आप फीडबैक नहीं मांग रहे हैं ना तो ई e से ना बी से ना डी से ना सी से आप सिर्फ एक पर्सन है जो कि ए है वो एक लीडर है वो ही सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है इट स्प्रेड कर रहा है और पर्सन को तक क्लियर हो रहा है चलिए ये होता है व्हील सेकंड वन इज योर चेन सी एच ए आई एन चेन पैटर्न अंडर चेन पैटर्न ईच पर्सन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन दैट इज देयर इमीजिएट बॉस अब यहां पर क्या है देखिए बी का बॉस है ए सी का बॉस है बी डी का बॉस है सी और ई का बॉस है डी यहां देख क्लियर हो रहा है अब यहां पर इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होती है ए इंफॉर्मेशन देगा जो कि बॉस है बी को बी जो बॉस है सी का सी को इंफॉर्मेशन देगा सी जो बॉस है डी का डी को इंफॉर्मेशन देगा डी जो बॉस है ई का ई को इन्फॉर्मेशन देगा राइट right? तो यहाँ पर चेन की तरह पैटर्न या इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इजी कोई कंफ्यूजन चलिए थर्ड है सर्कल पैटर्न सर्कल नाम से पता लग रहा है सर्कल इन द सर्कल पैटर्न ईच पर्सन कम्युनिकेट विद टू मोर पर्सन इन अ ग्रुप देखिए इसमें बी पर्सन को देखिए बी बी फॉर बॉय को देखिए अब ये दो पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है ए से भी और सी से भी ए को देखिए ए भी दो पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है बी और ई e. e को देखिए ये भी दो पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है a और, D. और D को देखिए ये भी दो पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है सी और e. C को देखिए ये भी दो पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो है? सर्कल में कम्युनिकेशन होता है और एक पर्सन दो पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाता है यहां तक क्लियर कोई कंफ्यूजन चलिए फोर्थ वन देखते हैं देखिए फोर्थ वन इज बोलेंगे चैनल पैटर्न अंडर ऑल चैनल पैटर्न देर इज नो फिक्स पैटर्न

सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विदिजियट सुपीरियर इमिजिएट सुपीरियर एंड ऑल्सो विदीरियर देखिए सुपीरियर कौन है बॉस कौन है वन वन इनका क्या है सुपीरियर है आप इसको बॉस बोल सकते हैं और ए का बॉस कौन है टू टू जो है वन टू टू जो है ए का मतलब वन का बॉस है तो ए और बी जो सबॉर्डिनेट हैं वो किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं वन से भी कर सकते हैं और वन के बॉस से भी कर सकते हैं ए और बी अपने बॉस जो कि वन है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और ए और बी जो वन का बॉस है टू उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरा बच्चों क्लियर तो ये है हमारे फॉर्मल चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन पूरा बच्चों क्लियर तो ये था आजकल हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का जितना भी हमारा टॉपिक था आज हमने कवर किया है उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भेजन आएगा थैंक यू सो मच